नेता समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और सरकार द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरे नहीं किए जाने पर सरकार की पोल खोलना है। निकलेगी हमारी 7 पार्लियामेंट है, 7 पार्लियामेंट के अंदर हम जाएंगे, 70 विधानसभा है, 272 वार्ड है और लगभग 700 किलोमीटर का सफर होगा इस यात्रा का। और ये मकसद है इन सरकारों की जो बयानबाजी थी और जो जमीन पे सच्चाई है वो जनता बताए। दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि हम यात्रा के दौरान भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। साथ ही दिल्ली नगर निगम में भाजपा के 15 साल के प्रशासन ने दिल्ली की हालत खराब कर दी है और वहीं सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, नर्सों, डॉक्टर्स और कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता जेजे क्लस्टर्स, अनाधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तमाम वादे किए थे लेकिन क्या कुछ नहीं, इस वजह से कांग्रेस को पोल खोल यात्रा निकालनी पड़ रही है। बिल्कुल, ये जनता की सवाल है, दर्द है और जनता का जो दर्द है वही दर्द हम इन सरकारों की आँख खोलने के लिए हम कर रहे हैं। 15 साल भाजपा ने एमसीडी को बर्बाद कर दिया और जो इनके सहयोगी हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 7 साल में दिल्ली को बर्बाद कर दिया। जो शहर कांग्रेस ने, शीला जी ने बनाया था, उस शहर को बर्बादी का कभी इस अंजाम तक कोई लाने वाला है तो अरविंद केजरीवाल और इसी के पोल खोलेंगे। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सदर बाजार विधानसभा में काफी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और इस समस्या के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, काफी परेशानियों के साथ हमें रहना पड़ रहा है। इलाके में पानी की समस्या भी बेहद खराब बनी हुई है और तमाम सड़कें भी ऐसी हैं जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई। ये जो झूठे वादे करके पब्लिक को पागल बना रही है और सबको बहका के कि बिजली पानी मुफ्त, आज कुछ भी मुफ्त नहीं है। तो केजरीवाल सरकार की आज हम पोल खोल रहे हैं। आज हमारी विधानसभा में खासकर पानी की इतनी दिक्कत है कि बहुत गंदा पानी आ रहा है। जो ये कहते हैं पानी फ्री, तो इतना गंदा पानी पी के हम क्या करेंगे? हमें पैसों में पानी दे दो पर अच्छा पानी दे दो जिससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और उन्हें बढ़िया वो रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यात्रा पूरी दिल्ली में 700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 70 विधानसभाओं और 272 वार्ड में चलाई जाएगी। टोटल न्यूज के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट।